वो भी नहीं बन रहा हूँ। सबसे पहले आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूँ सुषमा गुसाई और आप सबका स्वागत है मेरे देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत वादियों से। और आज दोस्तों मेरे जुई गांव का मौसम इस तरह से है और रात से बहुत बारिश हो रही है, लेकिन इस समय हल्की हल्की बारिश है। और ये देखिए मौसम कितना सुहाना हुआ है, ये देखिए। और अभी कोहरा और ऐसा लग रहा है जैसे कि बरसात फिर से शुरू हो गई हो। और पहले बीच में बहुत अच्छी धूप हो गई थी और लेकिन फिर से शुरू, और इतनी बारिश बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी रात से तो। और इस समय हल्की हल्की बारिश है और मैं जा रही हूँ इस समय स्कूल में। तो चलिए दोस्तों आज के ब्लॉग की शुरुआत करते हैं और फिर मिलती हूँ मैं शाम को। तो चलिए, और इस तरह से हमारे गाँव का मौसम आज देखिए। और बारिश उधर रिखनी खाल की चोटी से और यहाँ तक तो बारिश ज़्यादा हो रखी है। और यहाँ पर देखिए कितना सुंदर इस समय लग रहा है, बहुत बढ़िया। काकी सास कहाँ होगी, कहाँ हो? बाय, खा लिया नाश्ता पानी? भाई नमस्कार, खूब छो? अच्छा, क्या बन रहा चूल्हे में? रोटी बनाई रोटी खाई। अच्छा, अरब हुक्का पिया जा रहा है, अरब यहाँ पे तमाकू पिया जा रहा है, ये देखो। ये बढ़िया बढ़िया बढ़िया, अच्छा स्वाद आ रहा है, स्वादिष्ट हो रहा होगा ना। और ये छाता तो मुझे शायद गिफ्ट दिया है किसी ने, इसलिए कोई नहीं ले जा रहा है इस छाते को। और दोस्तों आज मौसम भी ख़राब हो रखा है तो मुझे इधर ना थोड़ा डर भी लग रही है, क्योंकि यहाँ पे आजकल ना गुलदार दिख रहे हैं बहुत ज़्यादा। कभी बकरी चुगाने वाले देख रहे हैं, कभी कोई घास काट रहे हैं गांव में सारे में, तो उनके पीछे से आ जा रहे हैं। तो अब यहाँ का माहौल ना पहले जैसे नहीं रहा, अब गांव का माहौल बहुत ही बेकार हो गया है। ये देखिए जो ये नया काम हो रहा है, तो यहाँ पे जो ज़मीन ली हुई है किसी ने, तो उन्होंने ये उन भाई साहब ने ये रास्ता दे रहे हैं यहाँ से, शायद अपने लिए बना रहे होंगे या गाँव वालों के लिए बना रहे होंगे, पता नहीं। यहाँ पे ना आजकल अमरूद बहुत पक रहे हैं स्कूल में, ये देखिए नीचे कितने सारे गिर रखे हैं। और बच्चे कम है गाँव में, इसलिए अमरूद ऐसे ही सड़ रहे हैं। देखिए ये देखिए कितने सारे गिर रखे हैं। टूरिस्ट बस आ गई है और बनवासा रिसोर्ट में आज फुल रूम है, ये देखिए। यहाँ पे चढ़ाई है तो यहाँ पे दिक्कत होती है कभी भी गाड़ी वालों को, वो ये देखिए वो फिर पीछे आएगी बस। ये ना चढ़ाई पे ही गियर बदलते हैं, तो यहाँ से उनको गियर बदलना चाहिए था जहाँ पे प्लेन है। अब गाड़ी आएगी पीछे तब जाके ऊपर चढ़ेगी, क्योंकि हमारी रोड ऐसी ही है, जगह जगह पे ऐसे है, चढ़ाई है। अच्छा दीदी आ गई है और रिसोर्ट से घास लेकर आ रहे हैं, क्योंकि जब से यहाँ बाघ का आतंक हुआ तब से यहाँ लोग जंगल नहीं जा रहे हैं। और ये देखिए इनको उतरना पड़ा लोगों को, और ये मेरे घर के ही पास में है रोड, ये देखिए। और ये हालत है रोड की, अगर रोड भी अच्छी होती ना तो कोई दिक्कत नहीं होती। और जिस हिसाब से यहाँ टूरिस्ट लोग आ रहे हैं बाहर से, तो उस हिसाब से यहाँ रोड अच्छी होनी चाहिए, ये देखिए। और यहाँ बहुत सारे सैटरडे संडे तो फुल रहते हैं, 25 रूम, ये देखिए। और हमारे गढ़वाल में ना यहाँ बहुत अच्छी जगह है घूमने के लिए, तो इसलिए बाहर से बहुत ज़्यादा टूरिस्ट लोग आते हैं यहाँ घूमने के लिए। तो वैसे भी हमारा उत्तराखंड तो कहीं भी चले जाओ तो बहुत सुंदर है घूमने के लिए, अब देखने की जगह है, ये देखिए। और लोग कितना पैसा खर्च करके आते हैं देखो हमारे पहाड़ों में घूमने के लिए। और अच्छा तभी तुम ठाके लगा के मुस्कुरा रहे थे, आज कुछ ना कुछ बात है। और ये देखिए क्या लेके आए मेरी काकी सास ने, तो आज अपना फैशन वो कर दिया। ये देखिए क्या है, अच्छा इसीलिए आप मुस्कुरा रहे थे, अपने लिए सूट लेके आ रखे हैं, ये देखो। वाह वाह वाह, बढ़िया बढ़िया। तो एक मेरे भाई जी के लिए भी ले आते हैं, अपने ही अपने लिए अपना फैशन देखो। मेरी सास जी इतनी चालाक हैं, ये देखो
है। अब मेरे भाई जी के लिए भी एक ले आते, मैं तो ले आऊंगी। अच्छा, और हल्की हल्की बारिश शुरू होने लग गई है, ये देखिए। और सबको डर लग रहा है क्योंकि यहाँ खेतों में सारे आलू लगाए हैं, ये देखिए, और लहसुन लगा रखा है। और ये अगर ज़्यादा बारिश हो गई, परसों तो बहुत बारिश हुई थी तो ये सारे खेत पानी से भर गए थे, और अगर अभी फिर हो जाएगा तो ऐसे लग रहा है कि जो आलू अंकुरित नहीं हुए थे वो सभी सड़ जाएंगे, ये देखिए। और पूरे खेत इतने सुंदर लग रहे थे, लेकिन बारिश इसको ख़राब कर सकता है, तो भगवान न करे ऐसा हो और सब आलू जम जाए, नहीं तो हमारी मेहनत बेकार चली जाएगी। और सुबह फिर आ गई है घास लेके, वो देखिए। और दोस्तों इस तरह से गांव का मौसम देखिए कितना अच्छा लग रहा है। वहाँ देखिए पूरा कोहरा लगा हुआ है, और यहाँ अभी बीच में छोड़ रखा है जहाँ पे कोहरा नहीं आया, इस तरह से, ये देखिए। और खेत कितने अच्छे लग रहे हैं, वो हरा हरा खेत लग रहा है जो वहाँ पे, तो मंडवा है, और बाकी खेतों में आलू, ये देखिए पूरे खेतों में आलू। और इस बार तो यहाँ पे दीदी ने मिर्ची लगा दी है, नहीं तो ये भी यहाँ पे लहसुन और आलू लगाते थे। और बिजली भी चमक रही है, डर लग रहा है, बहुत अंधेरा हो गया है, ये देखिए। और मैं वहाँ पे खेत पे थी, यहीं पे ये मकान दिख रहा है आपको, ये इसके पीछे मेरा खेत है, तो मैंने वहाँ पे राई और मूला, जिसको पहाड़ी मूला होता है ना, गोल मूला, उसको मूला बोलते हैं हमारे पहाड़ में, तो वो वाले मूले बोए मैंने। और बीज भी मैं मांग मांग के लाए, क्योंकि पिछली बार हमारे खेत में जो मूली हुई है उस पर बीज नहीं हुआ, पता नहीं क्या बात हुई, तो कभी कभी हो जाता है ऐसे। तो मैंने मांगा अपनी दोस्त से, संतोषी से, और एक दोस्त हमारी रजबो में है, तो उनसे मांगा मैंने बीज, और तब जाके मैंने बीज बोया। तो संतोषी ने बोल रखा है बहुत बड़े बड़े मूला हैं, तो देखते हैं किस तरह होते हैं। और संतोषी जी का धन्यवाद, क्योंकि उन्होंने बहुत दूर से मेरे लिए बीज भेजा था। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय देवभूमि।